एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन. दिस इज तेजस्वी. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. आप सबको नया साल मुबारक हो. होप दिस ईयर विल ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड शावरिंग लव इन योर लाइफ. और जो हम इस लॉकडाउन या कोरोना में अचीव नहीं कर पाए वो हम कर सके. कोरोना भी गया तो नहीं है. अभी तो जस्ट घर से निकले हैं और मैं घर पे इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं दे पाई. घर पे बहुत जल्दी जल्दी मची थी. जल्दी करो. तो फिर अभी रेडी होके हम निकले हैं. हम बैठे हुए हैं. ये दोनों यहाँ आ चुके हुए हैं. तो हम अभी बैठे हैं. अभी हम जा रहे हैं. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. पीसफुल जगह है जम्मू में. मतलब एकदम पिकनिक प्लेस, पिकनिक स्पॉट वैसा ही है. और अभी इसका रास्ता मैं आपको बताऊंगी. और अगर आपको गूगल लोकेशन चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल के लिंक को क्लिक करें और आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी. तो ये इतनी पीसफुल जगह है ना, हमारे जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है. वो आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और इस जगह का नाम है बुजुर्गों दा बेड़ा. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट अभी हम पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं और अभी भी हम उतरेंगे. और मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे. वो भी उतरे हम कार से और अभी हम पहुँच गए बुजुर्गों दा बेड़ा. और यहाँ पे मतलब पीसफुल जगह है एकदम. ऐसे यहाँ पे कोई भी अपना सीनियर सिटीजन आकर गाड़ी वगैरह पार्क कर दी. और यहाँ पे मतलब कोई भी सीनियर सिटीजन आके अपना टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल है. बट ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सीनियर सिटीजन आए, कोई भी आ सकता है. तो अभी ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और अभी हम लगे निकलने. मतलब इतनी पीसफुल जगह है, यहाँ पे कोई भी आके अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर सकता है. और पिकनिक स्पॉट है. अभी आपको मैं अंदर से दिखाया. अभी जस्ट हम चल रहे हैं बिकॉज हमने गाड़ी थोड़ी पीछे पार्क की है. तो अभी हम निकले हैं. चलो चलते हैं. सो ये इसकी एंट्री है. देखो बुजुर्गों दा बेड़ा, ये इसकी एंट्री है. अभी हम एंटर करेंगे यहाँ पे. ये देखो, बोझ नहीं आशीर्वाद है बुजुर्ग. बुजुर्गों दा बेड़ा बुजुर्गों की गोष्ठी के लिए, ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी एवं पारिवारिक समारोह के लिए निःशुल्क उपलब्ध है. वाओ, बुजुर्गों दा बेड़ा. ये देखो ये क्या लिखा है, बुजुर्गों दा बेड़ा, खेलो खाओ पुण्य कमाओ. सच में पुण्य कमाओ. निःशुल्क चिकित्सा, मतलब ये डॉक्टर वगैरह भी इनके लिए फ्री हैं. और ये सब प्रेरणा दीप, ये सब फ्री है. निःशुल्क मतलब फ्री. अभी मैं एंटर हुई हूँ गेट से. सबसे पहले आपको ये दिखेगा बुजुर्गों दा बेड़ा. बुजुर्गों का बेड़े में पधारने वाले सज्जनों से निवेदन है कि ये स्थान आपके लिए ही है. कृपया करके इसे साफ सुथरा रखें, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है. इन्होंने बोला है डिस्पोजल चीज़ें यूज़ करें और डस्टबिन में सारा सामान डालें. हम यहाँ एंटर होंगे. सबसे पहले यहाँ कबूतर है, अलग अलग देशों के कबूतर हैं. वो पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं आपको. लेट मी सी. यस, लुक एट दिस. मतलब अलग अलग देशों के कबूतर है ये. तो अभी हम आ रहे हैं. पापा जी मुझे लेने आए क्योंकि मैं पीछे रह गई थी. ये देखो यहाँ पे ये एक सीनरी है कि भाई, मतलब ये भाई बहन है. ऐसी सीनरी है, मैं अपनी इमेजिनेशन से बता रही हूँ. ये बाहर खिड़की से झांक रहा है और ये खेल रही है शायद. और ये हट है. तो अभी ये चीज़ है. अभी हम निकलेंगे. ये देखो जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ पे एक ऐसी चित्र है. मतलब देखो जो मम्मी है वो खाना बना रही है, चपाती रखी है, ये लड़का खेल रहा है, ये खेल रहे हैं सारे. और ये मैं हूँ. और यहाँ पे फिर थोड़े साइड में जाके आप तो अब्दुल कलाम जी की वो भी दिखेंगी पिक. देखो कैसे स्विच है. अगर इसको ऊपर ऊपर करोगे ऑन होगा, नीचे रखोगे ऑफ. ऐसे स्विच होते थे पहले. फिर जैसे इस झोपड़ी से बाहर निकलोगे ना, ये देखो पिटबुल, पाकिस्तानी बुली. ये एक डॉग होगा यहाँ पे पिटबुल. फिर इसके बाद सील मुर्गा, लड़ाकू मुर्गा. ये रहा
इनने यहाँ पे लॉक लगाया, हम इसको खोल नहीं सकते, बट वी कैन सी इट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है सफ़ेद मुर्गा, एक नस्ली, एक जैसी नस्ल है इनकी, मतलब एक जैसी ब्रीड है। और ये है, ये देखो, ये है, ये बिल्कुल हमारे घर के मुर्गे की तरह है, क्योंकि ये सिंपल ही है। नेक्स्ट है सिल्की मुर्गी, रशियन, रशिया की है ये। ये देखो, ये कड़कनाथ आपने मेरे घर में भी देखे होंगे। ये रे, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा यार। ये देसी मुर्गा, लोकल, लोकल लिखा है, ये लोकल ब्रीड का है। ये देखो कैसे चुग रहे। अगला है टिक्की मुर्गा, अमेरिकन, अमेरिकन की ब्रीड है। ये देखो कितना क्यूट है, डोडो की तरह लग रहा है ना। नेक्स्ट इज मोर, वाओ, ये देखो, ये पिकॉक है। सफेद खरगोश, कितने प्यारे हैं, ये देखो कितने प्यारे हैं, इनके घर भी बनाए हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा मन करे एक उठा के घर ले जाऊं, पर लेके नहीं जा सकती। ये देखो ये क्या कर रहा है, चलो आगे जाएंगे। यहाँ पे स्टॉल आया है, खेलो खाओ पुण्य कमाओ, बुजुर्गों का बेड़ा, यहाँ पे खाना मिलता है। तो भी और आगे जाएंगे, ये कुछ पता नहीं क्या यहाँ पे, आई थिंक कुछ रखा वगैरह होगा इन्होंने। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखेंगी बतख, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की ब्रीड है। और अभी तो दिख नहीं रही, आई थिंक घर के अंदर होगी या पता नहीं कहाँ होगी, अभी नहीं दिख रही है, कॉज नहीं है, रुको। ये देखो, ये एक स्वान है, ये मिली, ये देखो। फिर आप इसके ही आगे जाओगे तो आपको मंकीज की पिक्स दिखेंगी, ये मंकी ने बनाना पकड़ा है और वो बंदर और उसका बच्चा बैठा है। फिर आप ऐसे देखोगे यहाँ पे एकदम पिकनिक स्पॉट जैसे, चेयर्स लगी है, झूले लगे हैं, बहुत ऐसी ग्रीनरी सी है, सब कुछ इतना अच्छा है, पहल के पहल में भरे नरे। मतलब इसमें पूरा डोगरा कल्चर एक्सप्लेन हुआ है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पे बुजुर्गों का बेड़ा में लोही पर्व हुआ है, लगाया गया है। देखो एक बुजुर्ग अपने पोते दोतरे पोतरे जो भी हैं उनके साथ वो है। तो आप थोड़े आगे जाओगे, आपको शॉप भी यहाँ पे मिल जाएगी, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बनाया है फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर दीपरेखा। यहाँ पे टॉयस लगे हैं, ये है लंच वगैरह का सब बंदोबस्त है। ये आई थिंक ये एक ट्री क्रिसमस पे सजाया होगा, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो अंकल यहाँ पे टॉयस बेच रहे हैं। ये देखो यहाँ पे डॉल हाउस है, देन शिव जी की पत्थर पे मूर्ति बनाई है, और यहाँ पे बच्चों के खेलने का हर एक सामान है, वी कैन विजिट एंड बाय। और 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30, 70, 100, 150, 200। तो यहाँ पे स्टेज है, आई थिंक यहाँ पे कुछ होता है, हैप्पी न्यू ईयर। हमारी कोशिश आपको दिख नहीं रही, देखो हमारी कोशिश और आपके साथ से बुज़ुर्ग और मरीजों के निःशुल्क इलाज और दवाओं के लिए पहल परिवार की एक नई पहल। वाओ, तो अभी मतलब यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखो आप देख सकते हो हर जगह जगह डस्टबिन्स लगे हैं, और फिर भी लोग नीचे फेंके, तो फिर लोगों को क्या ही बोल सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे एक ऐसा माहौल आता है कि देखो बच्चे कंचे खेल रहे हैं, जिनको हम डोगरी में बांटे भी बोलते हैं, तो ये वो ऐसे आ गया। और यहाँ पर एक ऐसा वो है कि पेड़ है, पेड़ की छाव में बैठ के बुजुर्ग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लोग बातें कर रहे हैं। देखो ये स्टेपू बनाया है, जो कि लड़कियों के गेम बहुत ज्यादा है। ये देखो ये स्टेपू खेल रही है, हम अभी बहुत कम कर दिया है, बट पहले खेलते थे। ये देखो, ये देखो, खेलो ये खेल,
खेलो। इसको पता है कैसे खेलते हैं, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं मेरे को कितने साल हो गए हैं इसको खेले। चलो आज ट्राई करते हैं, ठीक है, आज ट्राई करते हैं। देखो ये बैम्बू, ये देखो ये बैम्बू स्टिक्स है। मोस्टली जब पिछले जमाने के घर थे ना, वो ज्यादातर इससे बने होते, ठीक है। और जो उनकी दीवारें थी ना, जो उनकी दीवारें थी उसमें ये बताया कि वो गोबर से थपते थे। ये देखो ये सब बैम्बू, और जो उनकी दीवारें वो गोबर से बनाई गई हैं। कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो दूर दूर से लोग आए हैं हमारे डोगरा कल्चर को देखने के लिए। डोगरा कल्चर को मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह, जो बुजुर्ग रहते थे पेड़ की छाव के नीचे बैठ के डिस्कस करते थे, बच्चे कंचे खेलते थे, घर में किस तरह से इकट्ठे रहते थे, किस तरह के स्विच बोर्ड्स होते थे, वो सब एक्सप्लेन किया है। और ये सब बैम्बू के वो है, इससे आजकल तो बहुत कम यूज में आता है, बट पिछले जमाने में घर बैम्बू से ही बने होते थे और चारपाइयां तक बनाई है। ये देखो आप ये देख सकते हो, ये बैम्बू के छत बनाने की अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अंदर एंटर होते हैं यहाँ पे, ये देखो मेरा भाई पिक खिंचवा रहा है। ये कि ये किकली होती है ना, मतलब हाथ पकड़ के जो गोल गोल घूमते हैं, ये वो वाला सीन दिखाया हुआ है और बहुत अच्छी तरह दिखाया हुआ है ये। फिर इस सीन से जब हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि ये अंकल बैम्बू से उनके घर का नक्शा बना रहे हैं। अभी जिसने भी ये बनवाया है ना, बहुत ही अच्छा बनवाया है। और यहाँ पे गार्डन है, फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं। और थोड़ी और आगे जाते हैं हमें फाउंटेन दिखेगा, फाउंटेन। अच्छा ये कुआं है, अच्छा ये कुएं को दर्शाया है और फाउंटेन मैंने गलती से बोल दिया। तो ये कुएं का सीनरी पूरी दिखाई हुई है। ये देखो ये जो औरतें कुएं पे पानी भरने जाती थी, ये उनकी पिक्चर्स है। एंड ये देखो ये ऐसे पूरा दिखाया, लोग फोटोज खींच रहे हैं। ये देखो ये कुएं में पानी भर के बैठी हुई है, ये भर के आई है, ये जा रही है। इसने देखो ना इसके ड्रेसअप देखो, चुन्नी लॉन्ग कुर्ता और नीचे लॉन्ग स्कर्ट, स्कर्ट नहीं इसको घघरा बोलेंगे, और पैरों में एंकलेट्स, हाथों में चूड़ियाँ, आलथा वो सब। तो अभी हम वापस जाने लगे हैं, ये सभी था यहाँ पे और बहुत ही अच्छा था जो भी था, चलो चलते हैं। तो अभी हम खेल रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, माइक वगैरह। ये देखो वो डेक, ये माइक वगैरह रखे हुए हैं, आई थिंक कुछ करते हैं ये, तो उस वजह से रखे हैं। ऊपर जाके आई थिंक रेस्टोरेंट है। एंड ये वॉशरूम्स है, ये वॉशरूम ऊपर बैठने की सीट्स है, यहाँ पे खाने पीने का है, चलो चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। अभी अपने चरण यहाँ पे रखेंगे, चलो। चाम है और पापा जी कहाँ गए, बोल रहे पापा जी। ये रहे पापा जी। ये देखो यहाँ पे मोमोज बन रहे हैं, यहाँ पे नूडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे समोसा है। भूख तो नहीं है क्योंकि घर से बहुत कुछ खा के आए थे, तो बस लगे निकलने, तो चलो निकलते हैं अब। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है सब कुछ, बहुत ही मतलब एकदम होता है ना परफेक्ट चीज़ें, ये पूरा वो परफेक्ट चीज़ें हैं, सब कुछ परफेक्ट है, पीस है, पिकनिक प्लेस है। कभी भी आके हम यहाँ पिकनिक मतलब अपना बेस्ट टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट आई विल डेफिनेटली मेक व्लॉग्स इन इंग्लिश और आई एम गोना स्टार्ट इट सून। मतलब मैं ऐसा करूँगी कि जो चीज़ मैं हिंदी में बोलूँगी वो चीज़ मैं इंग्लिश में रिपीट करूँगी आप सबके लिए, बिकॉज ये मेरा काम है कि आप सबकी डिमांड्स में फुलफिल करूं, जो आप मुझसे चाहते हो मैं वो फुलफिल करूं। और आप सबकी ये ड्यूटी है कि आप सब मुझे इसी तरह प्यार करो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम निकल लें, चलो चले अब निकल लगे निकल लें पापा जी, हमें वो कर पापा जी अब गाड़ी लेने जा रहे हैं और हम झूले लेने जा रहे हैं, पर झूलों पर रश ही बहुत है यार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हमने कौन सा रोज रोज यहाँ पिकनिक के लिए आना है, आज तो जस्ट मेरे माइंड में आया कि ये भी एक जगह है जम्मू में, और जम्मू में सबसे बेस्ट प्लेस है ये विजिट करने के लिए।
क्योंकि आप थोड़ी आगे जाओगे यहाँ पे स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, और पीछे बहुत पीछे क्या है मैं दिखा देती हूँ। ये देखो पीछे ये खेत वगैरह है, और वो वहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा के वो, और यहाँ पे स्विंग्स लगाए हैं बच्चों के लिए झूलने के लिए। बड़े भी झूल सकते हैं क्योंकि बड़े भी बैठे हुए हैं, तो बड़े ज़्यादा बैठे हैं बच्चों से, बट बेस्ट प्लेस है। ये देखो ये दोनों यहाँ पे झूला ले रहे हैं। चलो एक स्लाइड लेके दिखाओ सबको, चलो एक स्लाइड लेकर दिखाओ, चल कन्नू लेके दिखाएगा, चलो चलो अब ये स्लाइड लेके दिखाएगा सबको। 1 2 3 गो। वाओ चलो, तो अभी हमने ये वाला घूम लिया, अब हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे। अब सेकंड प्लेस कौन सी है मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगी, और ये व्लॉग्स मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, तो देखते हैं। I remember, yeah, most of the people said me daddy please make vlogs in English. I will make, but I, you know what, I feel comfortable in speaking Hindi because I have to share my daily routine with you, and I can't share my daily routine in English with you because Hindi is my mother tongue. So I feel very comfortable in Hindi, but if you will say, and it's my job to fulfill your demand, so I will definitely make vlogs in English, but it will take some while because in some days I will be some busy because my papers were going and I have to study. But now I am free and I will try to make vlogs in English, and I will definitely make for you all because people from far away countries are joined with me, and इतनी दूर से डिमांड्स आई हैं, सो आई हैव टू फुलफिल दैट। ओके, सो आई विल मेक माई व्लॉग इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश बिकॉज फिर वो बेचारे हिंदी वाले रह जाएंगे। सो आई विल डू वन थिंग, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी एंड देन आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके।